अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि सर फूल को देखकर कैसे बताएं कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो चलो फूल देखते हैं। तो ये हैं फ्लावर्स। अब इन फ्लावर्स को देखकर हम कैसे पता करें कि इनमें से कौन डाइकॉट है कौन मोनोकॉट है। देखो इस फ्लावर को देखते हैं। इस फ्लावर में हम इसके ये जो रंग वाले जिन जिन पत्तों में रंग है ये इनको ये जो पत्ते हैं इनमें जैसे ये पत्ते ऐसे पत्ते हैं जो कलरफुल हैं रंग बिरंगे तो इनको हम पेटल्स कहते हैं। ऐसे इसमें भी इनको पेटल्स कहते हैं ठीक है। और ये हरे वाले जो होते हैं इनके नीचे लगे होते हैं हरे वाले जो होते हैं उनको सेपल्स कहते हैं। तो फिलहाल पेटल्स को देखकर पता चल जाता है। तो आपने क्या करना है कि इनके पेटल्स गिनने हैं। देखिए एक ही लाइन पे हैं फिलहाल। तो ऐसे पौधे ऐसे प्लांट जिनके ये पेटल्स चार या चार से ज़्यादा हों चार या पांच भी होते हैं कई बार जैसे इसमें गिन काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 फाइव हैं इसमें और एक ही लाइन पे हैं ठीक है। तो ये जो है ये ऐसा प्लांट जिसके पेटल्स चार या चार से ज़्यादा या पांच के ग्रुप में एक लाइन पे हों तो ऐसा प्लांट डाइकॉट होता है। अब आते हैं इनमें इनको देखते हैं। इनमें क्या है इनमें जो इनके पेटल्स देखते हैं तो इनके पेटल्स देखें ये हैं इनके काउंट करते हैं इसमें 1 2 3 तीन ही हैं। दूसरे में काउंट करते हैं तो इसमें भी 1 2 3 3 है। या माना 3 से ज़्यादा भी हों किसी में तो ये देखना 1 2 3 ये एक लाइन में दिख रहे हैं और अगले 1 2 3 एक लाइन में उसके ठीक नीचे ऐसे ही सेम इसमें भी है। इसमें भी ये देखना सबसे ऊपर वाली लाइन में ये 1 2 3 और ठीक नीचे 1 2 3 तीन तीन के मल्टीपल में है। तो तीन के मल्टीपल वाले में होता है तो समझ लीजिए ऐसा प्लांट जिसके फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो या तो तीन होंगे या तो तीन होंगे या थ्री के मल्टीपल्स में होंगे या थ्री के मल्टीपल्स में होंगे एक एक लाइन में ठीक है। तो ऐसा जो प्लांट होता है तो ऐसा प्लांट मोनोकॉट्स होते हैं। ऐसा अधिकतर मोनोकॉट्स प्लांट्स में ही होता है। और डाइकॉट्स में या तो चार होंगे या पांच होंगे और अगर पांच से ज़्यादा भी हैं तो पांच पांच के ऐसे एक लेयर फिर दूसरी लेयर उसके नीचे एक एक लाइन पर ऐसे होगी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो हम फ्लावर को देखकर ऐसे पहचानते हैं कि कोई प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट है। ओके थैंक यू।